खजूरिया जी बड़े भाई हैं। चुनाव की स्थिति और परिस्थिति पे बाद में जाऊं, संगठन में भी मुझसे ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा अनुभव है। ठीक है, पार्टी के फैसले का विरोध करना करना भी चाहिए और प्रजातंत्र तो पार्टी में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक सीमा और एक लक्ष्मण रेखा तय है। उस सीमा और लक्ष्मण रेखा को लांघना और फिर संगठन की जो अनुशासनहीन जो एक अनुशासनहीनता संगठन में पैदा करना और अनुशासन का बिल्कुल तार तार करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका कोई अच्छा मैसेज लोगों में गया नहीं है। मैं बजाते खुद और पूरी उधमपुर ईस्ट की जनता, आपने बार बार कहा, हमने भी आप ही से सीखा, मैं बोल रहा हूं कि संगठन और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, तो आज तो आपने उसी माँ के विरुद्ध जिसे झंडा गाड़ के आज आप भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद कर रहे हैं, और कल आपके एक बहुत ही एक आपके एक समर्थक ने, प्रथम समर्थक ने आपने के कह दिया कि कल को हम जीते तो एनसी के साथ जाएंगे उसमें। ये डायरेक्टली मेरा मानना है कि मेरे पर्सनल इनके साथ कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से आप इंडिया अलायंस की गोद में बैठ के आप ये तांडव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता जवाब देगी और 1 अक्टूबर को जरूर जवाब देगी, करारा जवाब देगी। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं इस समय ना थनवा गांव में आया हूँ, ये उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है और आप देखेंगे यहाँ पे उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं वो हैं आरएस पठानिया। तो आरएस पठानिया जी यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग में आए हुए थे। पठानिया जी, उधमपुर ईस्ट में आप जिस गांव में आए हैं, काफी लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे आपकी किस तरह से इस समय माहौल है? और 370 के बाद ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है, क्या इसके ऊपर मतलब इंटरनेशनल में पूरी की पूरी नजर रहेगी इस पूरे इलेक्शन पर? क्या लगता है आपको कि देश विरोधी ताकतों को जवाब मिलेगा इस बार? आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस चुनाव के दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा की जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर में काम करने की स्पीड, जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल स्पीड, बड़ी तेजी के साथ काम एग्जीक्यूट हुए हैं। करप्ट लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई है और जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें या फिल्म, जिसके नाम आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करें, तो काफी सारे जिसे कहते हैं कारगर, ऐतिहासिक और अपने आप में अद्वितीय कदम सरकार ने उठाए हैं, जिनका लोगों में एक बहुत बड़ा फील गुड फैक्टर है, एक पार्ट। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस द्वारा संचालित जो स्कीमें हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है, या इन सब के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना है या बाकी सारी योजना है, इन योजनाओं ने वाकई आम आदमी के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ और बल्कि भारत के जनमानस के साथ एक सीधा संपर्क मोदी जी का बनाया है। लोगों के मन में भाव है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके जम्मू कश्मीर को विकसित करने का बीड़ा उठाया है, क्या जम्मू क्या कश्मीर सब में एक बहुत बड़ी लहर है और जनता अपने आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में भारी मतों से हर जगह से, और जैसा आपने मुझे सवाल पूछा, उधमपुर ईस्ट में भी विजय बनाएगी। पठानिया जी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, बड़ी चर्चाओं में है, आप समझ ही गए, आपकी स्माइल से मुझे सब इनको समझ आ गया मैं क्या पूछने वाला हूँ। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बड़ी ना चर्चाओं में है, क्योंकि आपके पार्टी के एक पहले भी इलेक्शन लड़ चुके पवन खजूरिया जी, उनको टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो चुके हैं, तो लोगों में बस यही बात चल रही है कि कहाँ पर लोगों का रुझान जाएगा। तो एक एक साइड है कांग्रेस या एनसी की हम बात करें, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे लड़ाने के लिए, तो बड़ी लेट उनकी लिस्ट आई। दूसरी तरफ आपके पास कैंडिडेट इतने हैं कि किसको खड़ा करें, वो भी दिक्कत पड़ गई है। तो आपके यहाँ पर बड़ी ये चर्चा में है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या लगता है कि पवन खजूरिया जी थोड़े से नाराज हुए पार्टी से और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए? पवन खजूरिया जी बड़े भाई हैं। चुनाव की स्थिति और परिस्थिति पे बाद में जाऊं, संगठन में भी मुझसे ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा अनुभव है। ठीक है, पार्टी के फैसले का विरोध करना करना भी चाहिए और प्रजातंत्र तो पार्टी में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक सीमा और एक लक्ष्मण रेखा तय है। उस सीमा और लक्ष्मण रेखा को लांघना और फिर
संगठन की जो अनुशासनहीन जो एक अनुशासनहीनता संगठन में पैदा करना और अनुशासन का बिल्कुल तार तार करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका कोई अच्छा मैसेज लोगों में गया नहीं है। मैं बजाते खुद और पूरी उधमपुर ईस्ट की जनता, आपने बार बार कहा, हमने भी आप ही से सीखा, मैं बोल रहा हूँ कि संगठन और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, तो आज तो आपने उसी माँ के विरुद्ध जिसे झंडा गाड़ के आज आप भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद कर रहे हैं, और कल आपके एक बहुत ही एक आपके एक समर्थक ने, प्रथम समर्थक ने आपने के कह दिया कि कल को हम जीते तो एनसी के साथ जाएंगे उसमें। ये डायरेक्टली मेरा मानना है कि मेरे पर्सनल इनके साथ कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से आप इंडिया अलायंस की गोद में बैठ के आप ये तांडव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता जवाब देगी और 1 अक्टूबर को जरूर जवाब देगी, करारा जवाब देगी। और मुझे लगता नहीं ये इंडिया अलायंस और कुछ लैंड माफिया, माइनिंग माफिया और टिम्बर माफिया, ये तीन लोग इस ये जो गड़बड़ जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, भारी बहुमत के साथ उधमपुर की चारों सीटें और विशेषकर उधमपुर ईस्ट की सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी। आप आश्वस्त रहें और बहुत ही विनम्रता के साथ और एक परिपक्व विश्वास के साथ ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर पठानिया जी आपको ये टिकट नहीं मिलती तो क्या आप भी इस तरह से मतलब पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डिसीजन का एब्सोल्युटली नॉट, देखें ऐसा कोई विषय था नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो इस तरीके का डबल स्पीक और जो दोगलापन जो देखने को मिला है, जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी इनके मंच पे या इनके जिसे कहते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिली है, जिस तरीके की पार्टी की एक इमेज या पार्टी की एक साख जो लोगों में उसको तार तार करने की कोशिश की है पब्लिक व्यू में, ये असहनीय है और अपने आप में दंडनीय भी है। और मुझे लगता है कि उधमपुर ईस्ट की जनता इसे दंड भी देगी और इसे अप्रोप्रिएट मौके पर जिसे कहते हैं इस विषय में बात भी करेगी। आप को टिकट दिया पार्टी ने, आप पार्टी में एक बहुत ही प्राइम पोजीशंस पे रहे, आप उधमपुर म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष रहे, छोटी बात नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रांत के अध्यक्ष रहे, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, आप प्रांत के महामंत्री रहे, इस वक्त आप प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, आपको पार्टी ने टिकट भी दिया, वो दूसरी बात है, आप हारने वाली कैटेगरी में भी नहीं, आप तीसरे नंबर आए, तो अब ठीक है, अगर पार्टी ने एक जीते हुए एमएलए को प्रेफर किया है और एमएलए भी बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्डी है पहला भारतीय जनता पार्टी से, ग्रामीण आदमी है, काम करने वाला आदमी है, मैं नहीं कहता मैं अपनी बात खुद करूं, लेकिन अगर पार्टी ने अगर मन बनाया है मेरे मन में मेरे फेवर में, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए था, विरोध भी जताना तो उसका भी एक सीमा थी। आप मनगढ़ंत आरोप और प्रत्यारोप, मुझे समझ नहीं आता कि किस जिसे कहते हैं किस कॉन्फिडेंस के साथ और किस जिसे कहते हैं एक बनावटी जिसे कहते हैं आप एक्सप्रेशन बना के वो किस किस्म के आरोप प्रत्यारोप पब्लिक व्यू में लगाने की बात करते हैं। मैं तो आपके चैनल पे लगे उन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों को मैं एक्सीड नहीं करूंगा, उनको प्रोपेगेट नहीं करूंगा, लेकिन इस तरीके का विषय लगाना आपको शोभा नहीं देता। आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत समय आपने संगठन में गुजारा है, संगठन में आपके लिए और भी जिसे कहते हैं काफी एक इंपॉर्टेंट रोल थे, और देखें पीठ पीछे उनकी बात करूं, मुझे लगता नहीं अपना भी उनका कोई इतना मन था, लेकिन वो कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, कुछ गवाह थोड़े ज्यादा चुस्त थे मुझे लगता, तो इसलिए ये सारा जिसे कहते हैं एपिसोड देखने को मिला। चलिए बहुत शुक्रिया। हम इस समय उधमपुर ईस्ट की एक गांव में आए हैं और यहाँ पर हमने आरएस पठानिया साहब से बात की, ये भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है और उनका साफ कहना है कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर 370 के बाद सबकी नजरें रहेंगी कि यहाँ पर जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर किनकी सरकार बनती है, और इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद जी, राम राम।